फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मड़ुआ के आटे के रोटी। मड़ुआ के आटा के रोटी बनाने के लिए फ्रेंड्स जीतियां बहुत कड़ी वाले हैं जो बच्चे के लिए किए जाते हैं। तो मड़ुआ के आटा के रोटी चिलो से आन के दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मड़ुआ के आटा के रोटी बनाने के लिए हम यहाँ पे आधा एक कप से थोड़ा कम माने कि आधा कप मड़ुआ के आटा लिए हैं, जो तौल में अंदाज में होंगे 100 ग्राम। हम अच्छे से इनको चाल लिए हैं। बहुत लोग फ्रेंड्स गर्म पानी से इनको सानते हैं, हम आज आपको ठंडे पानी से सान कर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे देसी घी 1 चम्मच, आप जितना हो 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल ठंडे पानी से हम आटा का डो लगाएंगे। इनको पहले मैश कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से हम मैश कर ले रहे हैं इनको। बिल्कुल मकई के आटा के तरह होते हैं, तो नए नए लोग हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि इनमें डरने की कोई बात नहीं, आप ठंडे पानी से भी बना सकते हैं। कैसे सो अभी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। तो अच्छे से इनको मोइन कर लेते हैं हम। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैदे में हम डो लगाते हैं तो बांध के दिखाना पड़ता है, इनमें तो ऐसे ही बन जा रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत ही अच्छे हैं, पर ये खसखस होते हैं बिल्कुल मकई के आटा के अनुसार। तो हम इनमें अंदाज के अनुसार पानी लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये पानी ज्यादा नहीं पीते हैं। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा 1 कप पानी लिए हैं, 1 कप पानी आने की 100 ml के करीब। तो थोड़ा सा और लेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको लेना है। इस तरह से हम डो बनाएंगे इनका, देख सकते हैं। हम थोड़ा सॉफ्ट डो लगाए हैं फ्रेंड्स, आप टाइट डो मत लगाइएगा, क्योंकि टाइट डो में क्या होगा, यदि आप इस तरह से करेंगे, आप इनको बटर पेपर पर या चिमकी पे बेल भी सकते हैं, बहुत आसानी से मिला जाएंगे ये। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनका 2 हिस्सों में इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारे जैसे नानी दादी हो गई, मम्मी हो गई, तो उस समय में वो लोग इसी तरह से बनाती थी फ्रेंड्स रोटी। देखिए ये टूट भी जाएंगे तो कोई गम नहीं है, इनको यहाँ से ले लीजिए फिर बहुत ही अच्छे से, कोई आपको डस्टिंग की जरूरत नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से बना सकते हैं। तो हम इनको और बड़ा भी कर सकते हैं, और हम इस तरह से तावा पर हम ले लेते हैं। तावा हम पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिए, तो फ्रेंड्स तावा हम पहले से ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे। इस तवे पर भी बहुत आराम से बना सकते हैं, तो हम इस पर नहीं बना रहे हैं, हम उसी को बनाए, क्योंकि थोड़ी बड़े तवा है तो 1 पर 2 हो जाएंगे, और थोड़ी छोटी छोटी हम रोटियां बना रहे हैं। तो आप इनमें स्टफ करके चने के दाल भी भर सकते हैं, आलू भी भर सकते हैं। हमें चिल्लो से आरिन के देना है, इसीलिए हम बिल्कुल बिना नमक के बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों को हम ले लिए, अब इनको हम अच्छे से एकदम मध्यम आंच पर सेकने देते हैं। चलिए मिलते हैं 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, हम आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए इनमें कोई टेंशन नहीं है, आप कैसे बनाइएगा तो आपको हम हाथ से ही पलट करके दिखाते हैं। आराम से इस तरह से पकड़ लीजिए, देखिए पलट देंगे हम, इनको भी पलट लेंगे, फिर इसी तरह से इनको अच्छे से पकड़ देते हैं। फिर इनमें हम घी लगाएंगे, तो हम देख लेते हैं। फिर से 2 मिनट हो गए फिर, तो आप देखिए कितना बढ़िया से ये फूलते भी हैं, देखिए। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, तो इसीलिए हम लोहा के तावा में नहीं बनाए, कि लोहा का तावा थोड़ा आयरन का तावा जल जाते हैं, पर आयरन के तावे में बनाने से कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस थोड़ी सी घी से जल जाते हैं, घी तेल से उनको भी पलट लेते हैं। और ये खाने में बहुत मीठे होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। आप चाहे तो स्टोर करके इनको आटा रख सकते हैं, और ठंडे के दिन में आप आराम से इनको बना करके खा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये जब फूल रहे हैं, ये देखिए इनमें फटना शुरू हो गया है, पहचान यही है कि ये तैयार हो गया है। थोड़ी सी और हम इनको इस तरफ से सेक लेते हैं, ये काफी एकदम, ये देखिए ये फूले हुए, इनको अभी तैयार हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं, गैस ऑफ करते हैं। हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए दोनों रोटी को हम निकाल लिए हैं। मड़ुआ के आटा के रोटी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। इनका आटा का रोटी थोड़ी सी
कालेपन होते हैं, मतलब ब्राउन कलर के होते हैं फ्रेंड्स, जो चीरो सियारिंग के दिया जाता है। इनका फेट में गड़बड़ी हो तो ठंड के मौसम में इनको खाए तो बहुत फायदा करता है और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, थोड़ी मीठी लगते हैं फ्रेंड्स। कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। बेल आइकन दबाने से हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।